तो उनके बारे में क्या कहोगी आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुलाब पाक मार्केट को जिस तरह गुलाब पाक मार्केट के लिए फिक्रमंद है उस तरीके से मुझे खुशी होती है इनके साथ बने रहने में, इनकी टीम के साथ बने रहने में। छोटे से छोटे मसले के लिए ये फिक्रमंद होते हैं गुलाब पाक के लिए, क्योंकि इन्होंने गुलाब पाक मार्केट के जितने भी रेसिडेंशियल है और जितने भी दुकानदार है उनके साथ एक संगठन बनाया है और वो संगठन का रोल प्ले कर रहे हैं एज अ फैमिली मेंबर की तरह। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ रेसिडेंशियल है और ये सिर्फ दुकानदार है, ये मेरे भाई है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं और मैं उनका जिम्मेदार हूँ। उसको देखते हुए जिस तरह ये संगठन रिजवान भाई का सपोर्ट कर रहा है और जिस तरह रिजवान भाई ने गुलाब पाक मार्केट में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है, रिजवान भाई आई हाईली अप्रिशिएट एंड आई हाईली सल्यूट योर एफर्ट्स टूवर्ड्स गुलाब पाक मार्केट एंड द रेसिडेंशियल और शॉपकीपर्स के लिए भी। पहले यहाँ पर बहुत अंधेरा था मोइन भाई जायद भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ रोशनी आ गई है। इस स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए कॉन्स्टेंटली ये मेरे टच में रहे, कॉन्स्टेंटली इन्होंने जो भी मसले रहे यहाँ के जिम्मेदारों के साथ अक्सर मेरी मीटिंग रखी और हमने बैठकर हमेशा डिस्कस किया, प्लानिंग की, कम्युनिकेट किया और फिर एग्जीक्यूशन किया। देखिए पीछे के एतराफ में बहुत गंदगी थी, लेकिन खुशी है पहले से वो गंदगी बहुत बहुत हद तक कंट्रोल में। उसका रीज़न ये है कि हमने सफाई की लोगों को पीछे दावत दी, उसके बाद हमने तारपत्री लगाई और मेरी कोशिश रहती है हफ्ते में एक बार वो बैक साइड एरिया को क्लीन रखूं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि फ्रंट एरिया में जहां आज हम खड़े हैं डस्टबिन देते हुए, यहां पर अक्सर आप देखते थे मोइन भाई बाइक पार्किंग होती थी और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कि इस तरीके से खड़े रहे कि हम लाइव वीडियो भी नहीं दे सकते, तो लाइव वीडियो पर दूर की बात एक फोटो नहीं निकाल सकते थे। थोड़ी बहुत जो बाइकें पेंडिंग है हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि कुछ आपसी थोड़े बहुत जो दुकान वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हम प्यार से उनको लेकर कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ये जो काम रिजवान भाई जफर भाई मेरे साथ और पूरी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं ये बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए कर रहे हैं, तो उनका साथ दें। और गुलाब पाक मार्केट इंशाल्लाह दूसरे मार्केट्स के लिए एक रोल मॉडल बनेगा, इसकी कोशिश रिजवान भाई मैं जफर भाई और पूरी टीम कर रही है कि यहाँ से सिर्फ मुमरा के लोग आते नहीं है, ऑल ओवर बॉम्बे घाटकोपर दीवार डोंबिवली ना जाने शादियों के लिए भी लोग शॉपिंग करने आते हैं। गुलाब पाक मार्केट का इतना अच्छा नाम है तो बड़ा मेहरबानी इस नाम को कायम रखें, इसे इस तरीके से जाया ना करें, आपस में जो भी है कॉन्ट्रोवर्सीज उसको एक प्लेटफॉर्म पे आके सॉल्व करें, इस तरीके से मन मुटाव रख के काम नहीं होगा, काम बिगड़ेगा। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहली बात तो मैं ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि हम देखते हैं कि अक्सर दुकानदार जो हमारे भाई हैं थोड़ा सा उनकी कोताही है कि वो लोग अपनी दुकान का सामान जब भी प्लास्टिक वगैरह ओपन करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि चाहे कोई भी, चाहे गुलाब पाक मार्केट हो, शरीफा रोड हो, चाहे अदर मार्केट हो, कोई भी, अक्सर वो थैली वगैरह जो है वो रोड पर आ जाती है, हम अक्सर देखते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इनका कोई रास्ता निकालें कि ये रोड जो भी सामान मतलब जो भी कचरा है अगर हम इनको डब्बा डस्टबिन वगैरह की शक्ल में कोई भी ऐसी एक चीज़ प्रोवाइड कर दें और लोगों से एक अवेयरनेस करें, एक अपील करें कि बराए मेहरबानी जो प्लास्टिक वगैरह आपकी दुकान से निकलती है, जो भी गर्द गुबार कचरा निकलता है वो लोग बराए मेहरबानी आप लोग इस डब्बे में डालें, और ये डब्बा जब सुबह में झाड़ू वाली आती है जो आपके जो गुलाब पाक मार्केट के अंदर जो औरत झाड़ू मारती है या जो लोग भी झाड़ू मारते हैं वो लोग इस कचरे के डब्बे को बाहर ले आ करके जो गाड़ी आती है या रात को जो गाड़ियां आती है कचरे की वो लोग उसमें ले आ करके उसमें डाल देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बार बार बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुमरा कौसा नीट एंड क्लीन हो, बेहतरीन मिसाल मुमरा कौसा कायम हो, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस कौम को ये सिखाया गया है, जिस कौम को ये बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, ये हमारी कोताही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि लोग इस पर अमल नहीं करते, अमल करते हैं, लेकिन कुछ कोताहियाँ कहीं ना कहीं से हो रही है जिसकी वजह से अक्सर आपको बिल्डिंगों के पीछे, आपकी चालियों के पीछे अक्सर गंदगी का अंबार दिखता है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खासकर मुमरा कौसा की आवाम से, बहनों से अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी
आपकी सोसाइटी में अगर कचरे का प्रॉब्लम है, अगर वो आपके यहाँ झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, घंटा गाड़ी नहीं आ रही है, रोड पे झाड़ू वाला मारने वाला नहीं आ रहा है, तो ब्राय मेहरबानी आप हमको नगर सेवक के नाते मुझे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, हम आपको म्यूनसिपालिटी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा आपसे एक अपील है, लोगों से गुजारिश है। और अब मैं गुलाब पार्क मार्केट के इश्यूज़ पे आ जाता हूँ। रिजवान भाई, जब से इस मार्केट की कयादत को रिजवान भाई और उनकी पूरी टीम ने जब इस बिल्डिंग की इस मार्केट की कयादत को जब से संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके रिजवान भाई हर पहलू पे काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मार्केट में पार्किंग का मसला है उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस पर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% तो नहीं करूँगा लेकिन बहुत हद तक उसमें कामयाब है। कुछ भाइयों को गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर वो खड़ी करना चाहते हैं कुछ डिस्टर्बेंस है। रिजवान भाई ने हमसे ये कहा है कि जफर भाई और नेहा मैडम जो हमारी यहाँ पर देखिए, बार बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नेहा नाइक साहिबा बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर है और हमेशा से फिक्रमंद रहती हैं अपने वार्ड को लेकर के, अपनी वालदा के कामों को लेकर के फिक्रमंद रहती हैं। वो भी मेरे साथ शाना बशाना हमेशा खड़ी रहती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम बिल्कुल उस पर भी हम उन लोगों से बात करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी जहाँ खड़ी करना चाहते हैं वहाँ क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, मार्केट में लाइट का इश्यूज था, लाइट की रोशनी कम थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मार्केट में लाइट भी लग चुकी है जिसको आप देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर रिजवान भाई ने कैमरे का भी इंतजाम कर दिया है, अक्सर चोरी वगैरह की वारदात पैदा हो जाती है। छः, और दूसरी बात, स्पीकर भी उन्होंने लगा दिया है, उस पर अक्सर स्लोगन बजता रहता है कि मतलब 6 स्पॉट पर लगाया है उन्होंने कैमरे लगाए हैं और माइक भी लगाया है, और माइक में हमेशा ये ऐलान होता रहता है कि आप अपने सामान की हिफाजत खुद करते रहें, अपने बच्चों की जो छोटे बच्चे आप साथ में लेकर के आते हैं उनकी उंगली पकड़ के चलें बच्चे, ताकि आपके हाथ से छूट ना जाए और आप अपने सामान की हिफाजत खुद करें।